हाय गाइस, दिस इज अलीशा महाजन फ्रॉम अन अकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने कल पिछली लेक्चर वीडियो में, दैट इज जो हमारी फोर्थ लेक्चर वीडियो थी, वहां पर हमने इसको समझा। किसको? इलिसिट माइनर को। अभी पेशेंस मत लूज कीजिए, अभी आपको चीजें लग रही होंगी, पता नहीं ये क्या हो रहा है मूड्स एंड फिगर्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कीजिए। आपको जब मैं एग्जाम्पल्स और करवाऊंगी, आपको क्लैरिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा। फिर प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, देन इट विल बी ऑल फाइन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो या दो रूल्स करे थे हमने डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम बात करेंगे इजी इजी वाले, मतलब जो डिफिकल्ट वाला काम है ना, वो अब हो गया। अब जो रूल नंबर थ्री क्या कहता है, कहता है अगर आपके दोनों के दोनों प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस मतलब स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू नेगेटिव है, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देखे, अगर हम बोले नो अमेरिकन, अमेरिकन मतलब ये ए, नो अमेरिकन आर पुअर। दूसरा क्या है, नो पुअर, नो पुअर इज हैप्पी। पुअर तो यही रहेगा, हैप्पी यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका कंक्लूजन है नो हैप्पी मैन इज, यहाँ पर पुअर पुअर को अगर ले ले तो नो हैप्पी मैन इज अमेरिकन, यहाँ पर अमेरिका लिख लीजिए, तो नो हैप्पी मैन इज अमेरिका। तो यहाँ का कोई लिंक बना, अगर कोई चीज यहाँ पर ट्रांसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इट मीन्स वो प्रीमाइज हमारा नहीं होता है। सो थर्ड रूल क्या आपको याद करना है, अगर आपके दोनों के दोनों प्रीमाइजेस नेगेटिव हैं, ठीक है, नेगेटिव है मतलब उसके बीच में कहीं पर नो आ गया है, नो सम नॉट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अकेला नो ही हो, सम नॉट भी, सम नॉट में भी तो नॉट आता ना, सो वो आपका कंक्लूजन उसका ड्रॉ ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है अगर आपका एक प्रीमाइज नेगेटिव है, दैट इज नो, नो नेगेटिव है ना, तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो एक प्रीमाइज भी नेगेटिव होगा, ये मतलब है। अब इसको ना देखते हैं, अब इसमें ना सारे के सारे जो पिछले वाले रूल्स है ना उसको लगाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला था, अगर नो आएगा उसके नो के साथ वाली जो दोनों टर्म्स होती हैं, इंडियन भी और अमेरिका भी, दैट इज माइनर भी और मेजर भी, दोनों के दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इंडियन देखे, यस मैम इंडियन यहां पर आया हुआ है। अमेरिका देखे, यस मैम अमेरिका यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो इट मींस हमारा ये तो पहले केस कौन सा बनता है, केस देखते हैं हमारा कौन सा बनता है, ये नो को हम क्या बोलते हैं, कैसे चेक करते हैं कौन सा केस है, यहां से ऑल, नन, सम नॉट, यहां पर ए ई I O सम नॉट के साथ। नो क्या हमारा होगा, नन वाला, तो ये हो गया E, ऑल वाला क्या होगा A, और नो वाला E, E A E तो हमें पता लग गया। अब हमने देखना है इसमें फिगर कौन सी है। ठीक है गाइस, तो E A E यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है E A E, मूड हमें गाइस इसमें पता लग गया, E A E, ठीक है, यहां से अब हमने देखनी है फिगर। फिगर हमें कहां से पता लगती है, अपने मिडल टर्म से, मिडल टर्म में ये दोनों लास्ट में है, लास्ट में, दैट इज राइट साइड पर। एक बार फिगर्स को भी रिवाइज करवा दूं, पहली फिगर होती है इस तरीके से, दूसरी होती है राइट साइड पर, ये हमारा राइट साइड पर है दोनों मिडल टर्म, दैट इज पुअर पुअर। मिडल टर्म कौन सी होती है, जो दोनों प्रीमाइज में एग्जिस्ट करे, पुअर कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड हमारा बेसिकली मिडल टर्म होती है, कॉमन वर्ड पुअर है हमारा कॉमन वर्ड, ये लास्ट में राइट साइड पर है, तो ये हमारी सेकेंड फिगर होती है ई ए ई टू। और मैंने सेकेंड वाला आपको क्या करवाया था गाइस, ठीक है, ये देखिए ई ए ई टू, और जो हमारा ई ए ई था उसको अब हम देखते हैं, यहां से आपको दिखाती हूं ई ए ई, पहले हम यहां से देख लेते हैं, टू में ई ए ई है, ये देखिए गाइज ई ए ई टू फिगर में, फिगर नंबर टू में, यस हमारा ई ए ई फिगर नंबर टू में है। इट मींस यहां पर भी था,
लेकिन यहां पर वाला कौन सा होता अगर हमारा मिडल टर्म इस तरीके से आता, लेकिन वो राइट साइड में ऐसा आया, इट मींस ईएई टू है। अब हम देखें जो हमने ट्रिक रिवाइज की है उसमें ईएई कैसे हमने रिवाइज किया था। हमने देखा यहाँ पर ईएई का क्या हमारा रूल था, डिक्लेयर, डिक्लेयर में से हमने निकाला था ईएई। यही चीजें आपको याद करनी है, डिक्लेयर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, लेकिन इट मींस हमारी जो फिगर है उसमें ये सेकंड में आया है और ये वैलिड फिगर है, तो ये हमारा ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है रूल नंबर 4 के आगे, ये पूरा का पूरा ठीक है। दैट इज अगर एक प्रीमाइज नेगेटिव है, कंक्लूजन भी नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्या हमने याद करा, सो ये बेसिकली आपकी कंडीशंस वाला, गाइस कंडीशंस वाला रूल आ जाता है, जो साथ में एक कंडीशनल हमारी थी ना, एक तो कंडीशनल हमारी वो भी साथ में जुड़ जाती है कि कंडीशन भी आप देख रहे हो। सो EAE2 हमारा ये आंसर है। सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विद दिस। चलते हैं नेक्स्ट पर, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है अगर दोनों की दोनों प्रीमाइजेज आपकी पर्टिकुलर है। अब आपको मैं बताती हूँ पर्टिकुलर स्टेटमेंट कौन सी होती है, ऑल, नन, सम, सम नॉट। ये भी आपको बार बार बनाना पड़ेगा याद रहने के लिए। ये होता है गाइस हमारा ऑल, सॉरी ए, ये ई, ये आई, ये ओ, ठीक है। सो ऑल और नन हमारे होते हैं, नन को हम नो भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट लिख लीजिए, आई एंड मतलब सम और सम नॉट हमारे होते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो रूल कहता है अगर आपकी दोनों की दोनों प्रीमाइजेस पर्टिकुलर है, तब भी कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर आप लिख रहे हैं सम मैन आर चीटर्स, दूसरे पर लिख रहे हैं सम मैन आर नॉट चीटर्स, ठीक है। तो कंक्लूजन ड्रॉ होगा, तो सम और सम नॉट के साथ आपका कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं ड्रॉ होगा कंक्लूजन कोई भी। इस तरीके से हम इसमें ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों की दोनों प्रिमाइजेज आपकी पर्टिकुलर है, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, कोई भी कंक्लूजन आपका ड्रॉ नहीं होगा। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है अगर एक प्रिमाइज पर्टिकुलर है, ठीक है, अगर एक प्रिमाइज पर्टिकुलर है मतलब एक पहली वाली स्टेटमेंट में आपका या तो सम आ गया है या सम नॉट आ गया है, सिर्फ एक ही प्रीमाइज है जो पर्टिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, दूसरी में या तो ऑल लिखा होगा या तो नन लिखा होगा, तब आपका वो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर होगा। दैट मींस जो थर्ड हमारा कंक्लूजन आएगा वो भी सम या सम नॉट होगा। ये रूल नंबर याद करें, ठीक है। तो हमने कौन कौन से अभी रूल कर लिए हैं गाइज, देखो रूल नंबर 6 था कि अगर एक प्रीमाइज पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन भी पर्टिकुलर होगा। फिफ्थ में करा अगर दोनों प्रीमाइज पर्टिकुलर है तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। फोर्थ में अगर हमने करा अगर एक प्रीमाइज नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। और थर्ड में करा अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे थे 6 के 6 रूल्स। इसके बाद गाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई नो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ये वर्थ होगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।